हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं BRS। इसमें बहुत छोटी सी ट्रिक आपको सीखनी होती है। सारी ट्रांजेक्शन में आपको हर एक एंट्री में करके देखना है कि किसके बैलेंस को देख कर चलना है। मैं हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। बैलेंस एज पर कैश बुक 1,80,000, डेबिट बैलेंस वेयर एज बैंक स्टेटमेंट का मतलब पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है आपको 1,84,100। चेक फ्रॉम रमन 2,500, विवेक 3,000, मोहन 2,400, डिपॉजिट इनटू अकाउंट 29 मार्च बट क्रेडिटेड बाय द बैंक 3 अप्रैल। चेक इशू टू कबीर 5,000, समीर 6,000, 27 मार्च, वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 7 अप्रैल। ए चेक फॉर ₹1,000 विच वॉज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन 29 मार्च बट डिपॉजिट इन बैंक 5 अप्रैल। बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट 2,500 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट 500 फॉर बैंक चार्जेस। अब देखो, हमें BRS बनाना है। सबसे पहले आपको हमें स्टार्ट करना होता है कि किसके बैलेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बुक के बैलेंस से या फिर पासबुक के बैलेंस से। जिसके बैलेंस से आप स्टार्ट करोगे, हमें दूसरे वाले को देखकर चलना है कि उसमें कितना बैलेंस है, उसके इक्वल आपको अपना बैलेंस करना होता है। अब सबसे पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन में दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पास, दोनों का दिया है। जो पहले दिए हम उसी से स्टार्ट करेंगे। आपको कैश बुक का बैलेंस दिया डेबिट, आपको बैलेंस पता होना चाहिए। कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव और क्रेडिट का मतलब नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। हम कैश बुक का अगर डेबिट वाला प्लस है तो इसका कौन सा प्लस होगा, क्रेडिट वाला। इसका अगर क्रेडिट माइनस है तो इसका डेबिट वाला माइनस होगा। सबसे पहली बात तो यही चीज। अब हम किसके बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बुक के बैलेंस से। तो सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन से बैलेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस से। कितना है, 1,80,000। अब जो पासबुक का आपको क्रेडिट बैलेंस दिया वो हमारा आंसर निकल कर आएगा, सेकेंड इक्वेशन। अब उसके बाद सबसे पहले आप बैलेंस जब लिख लोगे, उसके बाद हर इक्वेशन में सबसे पहले नीचे आप एक कैश बुक का कर लो, ये कैश बुक और इधर पासबुक। हर एंट्री में आपको करके देखना है। सबसे पहले आपको ये लगाना है हर इक्वेशन के, ताकि आपकी एक भी एंट्री गलत ना हो, सारी एक्यूरेट जाए। हमने कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया तो हम किसके इक्वल बैलेंस मैच करेंगे, पासबुक। जितना इसका टोटल होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हमें भी उतना ही बैलेंस इक्वल लेकर आना है। सबसे पहली बात ये होगी। दूसरी बात कि आपका जो है ना, ये कौन से मंथ की है, मार्च वाले मंथ की। कौन से मंथ की है, मार्च। तो 31 मार्च तक की सारी एंट्री जो होंगी वो वैलिड होंगी। उसके बाद अगर कोई एंट्री जाती तो वो यहाँ पर जीरो हो जाता है बैलेंस, ठीक है। अब सबसे पहले चेक है, आपने डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट का मतलब जमा करने के लिए भेजे थे बैंक में कि हमारे पैसे आ जाएंगे। 3 पर्सन है, रमन, विवेक और मोहन। आपने इतने इतने चेक आपने जमा किए बट कलेक्टेड बाय बैंक 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को हमने अपनी कैश बुक में क्या किया, इन तीनों बैलेंस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये भी प्लस करा, ये भी प्लस किया और दूसरा चेक है 20। हमने ये सोचा कि हमने प्लस कर दिया अपनी कैश बुक में 29 मार्च को। कौन सी मार्च को, 29 मार्च को। लेकिन 31 मार्च तक यहाँ पर क्या हुआ, 31 मार्च तक ये तीनों चेक यहाँ पे क्या हो जाने चाहिए थे, प्लस हो जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर ये मार्च के बाद जाके ऐड हुए हमारे। हमारे पास 31 मार्च तक जब कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है तो ये तीनों चेक क्या है, यहाँ पर जीरो है। मतलब अगर 31 जोन से मंथ की होती है, उस मंथ की लास्ट डेट तक अगर कोई चेक यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है तो वो जीरो होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके टोटल के इक्वल आना है। इसका टोटल क्या है, जीरो है, तो हमें इसको देखकर चलना है। ये क्या है, जीरो, तो मुझे भी इसमें अपने बैलेंस को क्या कर देना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। किसी बैलेंस को जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी तो वो जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों कौन से कॉलम में जाएंगे, माइनस वाले कॉलम में। 2,500, 3,000, 2,400 शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे। नंबर वन जो ये वन थी, नंबर टू चेक्स, डिपॉजिट इन बैंक बट
नॉट कलेक्टेड, वहां पर कलेक्टेड नहीं हुए। यहाँ पर आप पर्सन्स के नाम लिखो या ना लिखो वो आपकी चॉइस है, मैं लिख देती हूँ। रमन का था, विवेक एंड मोहन। अब आती है थर्ड एंट्री। नेक्स्ट है चेक इशूड। इशूड का मतलब होता है कि आपने किसी को पेमेंट कर दिया, आपने किसी को क्या करी, पेमेंट करी। आप कितने इशू किए आपने, दो पर्सन्स को, कबीर को और समीर को, 27 मार्च को, कि आपने सोचा कि हमने किसी को पेमेंट करनी है, तो अपनी कैश बुक में 29 7 मार्च को ही आपने क्या कर दिया, दोनों चेक क्या कर दिए, माइनस कर दिए। मतलब आपने सोचा कि यहाँ से पासबुक में 31 मार्च तक पैसे हमारे बैंक से कट जाएंगे, लेकिन प्रेजेंटेड ऑन बैंक कब हुआ, वो 7 अप्रैल को, मतलब 31 मार्च को वहां पर ये वाली ट्रांजेक्शन नहीं गई है। तो ये तो हमने तो टोटल ये माइनस कर दिया, लेकिन ये दोनों यहाँ पर क्या है, अभी जीरो बैलेंस है। तो मुझे क्या करना है, जो पासबुक में है वही करना है। पासबुक में जीरो बैलेंस है, मुझे इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम अमाउंट को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। मैंने 5 और 6 11,000 माइनस कर दिया है, तो मुझे सेम इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी मेरा इसके इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस वाले कॉलम में डाल देंगे 11,000। यहाँ लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आप दोनों के नाम लिख दो, कौन है, कबीर और समीर, दोनों का लिख दो। कबीर, कबीर का था 5,000 और समीर का है 6,000। नेक्स्ट हमारी एंट्री आ जाती है फोर्थ। हर एंट्री में आपको करके देखना है, तभी आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। नेक्स्ट आ रहा है बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट नहीं ये वाला, सॉरी फोर्थ वाले पे हम, ए चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। आपको एक कस्टमर से चेक मिला 1,000 का, आपने रिकॉर्ड करा कैश बुक में 29 मार्च को, मतलब किसी से पैसे आए तो हमने कैश बुक में क्या कर दिया, एंटर कर दिया। जब पैसा आता तो हम प्लस कर देते हैं, लेकिन बैंक में कब गया वो, 5 अप्रैल। बिल्कुल इजी कि हमने कैश बुक में क्या कर दिया, हमारे पास किसी कस्टमर से पैसे आए 1,000, लेकिन यहाँ पे 31 मार्च तक हमने इस चेक को भेजा ही नहीं। 31 मार्च तक जो ट्रांजेक्शन नहीं हुई वो यहाँ पर क्या होती है, जीरो होती है। अब मुझे इसको जीरो बैलेंस है, मुझे इसको जीरो बनाना है, तो मुझे जीरो बनाने के लिए सेम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कौन से कॉलम में आएगा, 1,000 यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट कलेक्टेड इन बैंक। वो आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है फिफ्थ, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का मतलब पासबुक। बैंक स्टेटमेंट में क्या हुआ, 2,500 क्रेडिट हो गया। तो बैंक स्टेटमेंट का मतलब पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस। अब ये पासबुक है, पहले इसको रब कर लूँ समझाने के लिए। देखो बहुत अच्छी एंट्री है, इस मेरे तरीके से करोगे तो पासबुक ये आपको BRS बहुत इजिली समझ आएगा। पासबुक में क्रेडिट का मतलब ये देखो, पासबुक में क्रेडिट हो रखे हैं 2,500 प्लस, और डेबिट हो रखे हैं 500 बैंक चार्जेस। तो डेबिट का मतलब माइनस, कितने, 500। देखो ये 31 मार्च तक ही है, कुछ आपको डेट नहीं बोली, तो 31 हमें क्या हुआ, अब यहाँ पे जीरो है, अब यहाँ पे क्या है, जीरो, लेकिन हमें उतना बैलेंस बराबर करना है जितना यहाँ पर है। हमें सेम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2,500 प्लस हो रखे हैं, तो मेरा यहाँ पे जीरो है, तो मुझे इसको यहाँ पर भी सेम क्या करना पड़ेगा, 2,500 प्लस, और सेम क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि जो चीज पासबुक में है वही हमें सेम करनी है। तो बस 2,500 आप क्या कर दो, प्लस कर दो, और 500 माइनस कर दो। तो बस यहाँ पे लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बाय बैंक, और ये 500 क्या है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक।
तो बस अब हमने ये कर लिया, उसके बाद लास्ट में क्या करना है आपको, टोटल करना है। हमने अपने ये तो सब कर लिया, अब हमने जिस बैलेंस से स्टार्ट किया था ना, आपने किससे स्टार्ट किया था, डेबिट बैलेंस से, आंसर क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो अब इधर प्लस वाला कॉलम है, ये माइनस वाला, इधर प्लस वाले टोटल का कॉलम करो। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, प्लस वाले से, आंसर इस साइड आएगा, तो इधर का टोटल कर लो, 193500 आएगा, इधर का भी टोटल यही सेम आना चाहिए, लेकिन 193500 से ये सारे अमाउंट आप क्या कर दो, माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 184100। तो मतलब ये जो जितना भी टोटल है ना आपका 9400 है, इसमें से आप 9400 को माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। बस बहुत इजी होता है बीआरएस करना, आपको सिर्फ ये चेक करना है जिसके बैलेंस से आप स्टार्ट करोगे दूसरे वाले बैलेंस को देखकर चलना है। अगर कैश बुक से स्टार्ट किया है तो पासबुक में जो चीज हो रखी है हमें सेम वही करना है।